क्योंकि यहाँ पे हमने टेस्ट दिया चाहिए, अच्छा है जी, मतलब कि MBA के नाम पर पटना में ये फर्स्ट आउटलेट है। अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं MBA चाय वाला, जो कि पटना में ये फर्स्ट आउटलेट है और यहाँ पे हम लोग आए हैं आज, तो यहाँ का चाय भी पियेंगे और पब्लिक का रिव्यू भी देंगे। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे इसका ब्रांड। ये जो है चाय वाला को कौन नहीं जानता, यहाँ देख सकते हैं कि इंडिया मोस्ट आइकॉनिक चाय वाला, हमारे बिहार के राजधानी पटना में ये फर्स्ट आउटलेट है MBA चाय वाला का। और ये एक ऐसा चाय वाला इसी से शुरू हुआ, यानी कि सब चाय वाली का अपना स्टार्टअप और अपना जर्नी। यहाँ देख सकते हैं ये ब्रांडिंग किस तरह से किया हुआ है MBA चाय वाला, और यहाँ जो है इंडिया मोस्ट आइकॉनिक चाय वाला। और ये जो है आपको मिलेगा पटना के दिनकर गोलंबर में, और यहीं पे इसका फर्स्ट आउटलेट खुला है। और यहाँ जो है जो प्रफुल विल्लोरे सर हैं, वही आके इसका इनॉग्रेशन किए हैं। आप देख सकते हैं इसका सेटअप किस तरह का सेटअप है, और यहाँ जो है आके आप चाय के साथ साथ और भी चीज़ों का जो फास्ट फूड है उसका भी मज़ा ले सकते हैं। क्या कुछ है, आइए आगे चलते हैं भैया के पास, उससे पूछते हैं इसका इनॉग्रेशन कब हुआ और इसमें और क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। सबसे पहले आप आइएगा यहाँ, यहाँ पे आपको मेनू कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ये मेनू कार्ड है, और यहाँ पे कुछ ब्रेवरेज है, ठीक है, और चाय के साथ साथ आपको जो कुछ आइटम फास्ट फूड का भी मिल जाएगा। तो यहाँ भैया हैं, और भैया से कुछ पूछना चाहेंगे। अच्छा भैया, इसका इनॉग्रेशन कब हुआ था? 16 जून कल से। 16 जून इनॉग्रेशन में प्रफुल्ल विल्लोरे सर भी आए हुए थे, उनका बहुत अच्छा स्वागत किया गया था। तो यहाँ जो है चाय के साथ साथ अभी क्या क्या कस्टमर को, हमारे पास फूड में देख लीजिए, फूड में मस्का बन हो गया, सैंडविच, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, मैगी और भी बहुत सारे आइटम हैं, समोसा। अच्छा, चाय में अभी कौन कौन सा वैरायटी का चाय अवेलेबल है? चाय में हमारे पास MBA स्पेशल, दूध पत्ती, अदरक इलायची, अदरक पुदीना, चॉकलेट चाय और केसर चाय। तो लगभग 7-8 वैरायटी का चाय आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, इसमें इस आउटलेट का जो ऑनर आप ही? हाँ हाँ, मैं हूँ, आप ही ऑनर हैं यहाँ का। अच्छा भाई, जो आपका नाम? मेरा नाम आयुष राज। अच्छा, इस बिजनेस को आप किस लेवल तक लेके जाना चाहेंगे? स्टार्ट किए हैं, आगे वो तो जान रही है कि हमको बहुत आगे ले जाना है। अच्छा, पब्लिक का रिस्पांस कैसा है MBA चाय का? रिस्पांस लगभग एवरेज है। अच्छा, फर्स्ट डे जो है आपका यहाँ से चाय का सेलिंग लगभग कितना हुआ था? ये एवरेज ही हुआ था, मतलब जैसा चल रहा है अभी वैसा ही हुआ था। अच्छा, नहीं नाम के, मतलब कि MBA के नाम पर ज़्यादा चाय बिक रहा है, लेकिन नहीं। तो अभी जो है फिलहाल जैसे जैसे पुराना हो रहा है, जैसे हम लोग भी दूर से ही आए हैं, ठीक है, लगभग 10 किलोमीटर दूर से ही आए हैं सिर्फ MBA चाय वाले के नाम सुन के, तो उस तरह से आदमी आते हैं ना? काफ़ी सारे आए हैं, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर तक, मतलब आए हैं दूर दूर से लोग चाय पीने यहाँ पर। काफ़ी चाय नहीं, बाकी मतलब फूड में भी खाने आए हैं दूर दूर से। अच्छा, इस बिजनेस का नेक्स्ट गोल क्या होगा आपका? नेक्स्ट गोल किसको और बढ़ाना, यही तो मेरा गोल है। और ये बिहार में सबसे फर्स्ट आउटलेट है MBA चाय वाला का, तो इसीलिए जो है बहुत दूर दूर से भी आदमी आ रहे हैं, और ये फर्स्ट में आप ही इसको, क्योंकि यहाँ पे मैं टेस्ट दे रहा हूँ MBA चाय वाला, MBA स्पेशल चाय यहाँ का काफ़ी मशहूर है। मैं यहाँ का, मतलब यहाँ का मैं सबसे ज़्यादा चाय बिकने वाला बेस्ट सेलर वही है MBA स्पेशल चाय। MBA स्पेशल चाय, उसका रेट है 20 रुपीस। तो गाइस, अभी भैया से बात किए, भैया से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। ये देख सकते हैं अंदर किचन है, यहाँ जो है लगभग ओपन किचन है, और यहाँ पे जो है जैसे कि ऑर्डर लिया जाता है उसी हिसाब से यहाँ बनता है ना, ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पे बनता है। और यहाँ जो है ये है इसका फूड का लिस्ट, ठीक है, यहाँ ब्रेवरेज है, यहाँ पे कस्टमर सब आते हैं और चाय का लुत्फ उठाते हैं। इस साइड में जो है इसका कुछ टैग लाइन है MBA चाय वाला का, कि सब्र का फल चाय होता है, ठीक है। और यहाँ जो है और कुछ लिखे हुए हैं कि फ्री चाय फॉर फ्रंट लाइन वर्कर, जैसे डॉक्टर, नर्स, पुलिस एंड सोल्जर्स, ठीक है, एवरी हु इज प्रोटेक्टिंग, हेल्पिंग और सर्विंग 24 आवर 365 डेज लाइफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ जो है डॉक्टर, नर्स एंड पुलिस और सोल्जर्स के लिए जो है चाय फ्री है, ठीक है। भैया से यहाँ का जो मोस्ट पॉपुलर चाय है, भैया भी बोले कि MBA स्पेशल चाय, चाय टेस्ट करते हैं और आप लोगों को रिव्यू बताते हैं। और हमारे साथ, हम लोग अकेले नहीं आए, मेरे साथ जो है मेरा दोस्त भी आए, लगभग 3-4 दोस्त के साथ आए हुए थे MBA चाय वाले के यहाँ, क्योंकि इसका नाम जो है इससे पहले लखनऊ में खुला था तो बिहार में फर्स्ट है। और ये मेरे साथ मेरा दोस्त है आतिफ, ठीक है। तो ये फर्स्ट फीलिंग है, कौन सा चाय पीना पसंद करेंगे?
अभी तो यहाँ का मेन्यू हमने नहीं देखा है। हाँ। जब देखेंगे उसके बाद पता चलेगा कि क्या हमको पीना है। चलिए, अभी तक इन्होंने मेन्यू नहीं देखा, लेकिन हम यहाँ पूछे थे भैया, बोले कि सबसे स्पेशल जो यहाँ सबसे ज़्यादा सेलिंग होने वाला चाय है ना, वो MBA स्पेशल चाय है। अच्छा, हाँ, तो वही हम लोग पीना पसंद करेंगे। चलिए, दूर से आए तो वही पसंद करेंगे ना पीना। तो चलिए चाय पीते हैं, इसके बाद रिव्यू बताते हैं। यहाँ जो है भाई लोग भी चाय पी रहे हैं, लोग से भी पूछते हैं कैसा लग रहा है चाय। अच्छा है। अच्छा है, कहाँ से है? भिकना पहाड़ी से। तो ये जो है कौन सा चाय पी रहे हैं? चॉकलेट। MBA स्पेशल नहीं। तो आपका नाम क्या हुआ? अब्दुल रहमान। तो ये अब्दुल रहमान जी थे, चाय पी रहे थे भिकना पहाड़ी चाय, MBA चाय वाले। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? सर, चाय अच्छा है। चाय अच्छा है जी। कौन सा चाय पी रहे हैं? चॉकलेट चाय जी। और कहाँ से आए हैं आप? हम अभी पटना इंस्टीट्यूट के पास आए हैं। तो नाम सुन के आए हैं? हाँ, नाम सुन के आए हैं। लगभग जो है सब नाम ही सुन के आता है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सबा समी मोर। पढ़ाई कर रहे हैं जी? क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? नीट का जी। तो चलिए, ये जो भाई हैं अभी नीट का तैयारी कर रहे हैं और MBA चाय वाले का नाम सुन के ही यहाँ पे आए हैं अपना चाय का मज़ा लेने के लिए। तो चलिए हम लोग भी चाय पीते हैं, इसका रिव्यू बताते हैं आप लोग को। गाइस, चाय टेबल पे आ चुका है और हम लोग चारों दोस्त यहाँ पे हैं। MBA स्पेशल पीजिए, रिव्यू बताइए। आप लोग भी ट्राई कीजिए। बिल्कुल, पहले आप कीजिए ना, इसके बाद रिव्यू लेते हैं आपसे, इसके बाद हम लोग भी लगाएंगे। अभी सही से मज़ा नहीं आया, बढ़िया से लीजिए और एक बार चुस्की। हाँ, चाय तो अलग है, मतलब हम लोग ऐसा नहीं पिए कहीं भी, और अच्छा लगा चाय पी के। जो अभी तो और पीने दीजिए, उसके बाद बताते हैं। और ठीक है, इन्होंने अपना रिव्यू बताया। ठीक। अच्छा, इससे पहले ग्रेजुएट चाय वाले के पास चाय पिए थे? नहीं, हमने तब आपको डिफरेंट फ्लेवर कैसे पता चले? ठीक है, और एक बार पीजिए। लोकल में चाय पिएंगे? नहीं, बताइए ना। हाँ, हम तो पिएंगे। हाँ, और यहाँ भाई साहब हैं जो डबल चुस्की ले चुके हैं, कैसा लग रहा है चाय? चाय तो बहुत अच्छा है, लोकल चाय से तो बहुत ही अच्छा चाय है, पीने में बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए ठीक है, अब बारी है मेरा। चलिए लास्ट में हम भी दे देते हैं रिव्यू। चाय है उतना ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि हम चाय जो है बहुत जगह डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर का चाय पिए, इसीलिए आपको शायद ज़्यादा पता होगा। ठीक है, लेकिन चाय जो है उतना खास है। अब बारी है आजिम का। असल में हम लोग कभी कभी पीते हैं और आप बोले रिक्वेस्ट की, इसलिए हम लोग आ गए। सच नहीं देखते असल में चाय होता कैसा है, तो इसीलिए चले हैं। अच्छा, चाय है, एवरेज है। ऐसा चाय तो हमारा घर में ही बनता है। हाँ, ये रिव्यू कैसा था यार? हाँ, ये जो है वो जो वहाँ जो फ्लेवर का चाय पिए थे वही सबसे मस्त लगा, मसाला पिला। हाँ, चलिए। MBA चाय वाले के यहाँ सब नाम से भी आते हैं। हाँ, हम लोग तो नाम के वजह से ही आए हैं। हाँ, कहाँ से? लगभग हम लोग 10 से 15 किलोमीटर दूर से चल के आए हैं। हम लोग तो गाइस, अभी हम लोग फिलहाल MBA चाय वाले के यहाँ स्पेशल जो चाय था इसका, MBA स्पेशल, वो चाय पी चुके हैं। और चाय था, ठीक ठाक था, उतना खासा उतना ज़्यादा जो है ये नहीं था, लेकिन वही है कि नाम के कारण जो है यहाँ पे आता है। और मेरे साथ मेरे दोस्त सब भी हैं, आतिफ जी, ये भी चाय पिए हैं, अपना रिव्यू ये भी बताए हैं, और कुछ बोलना चाहेंगे? चाय मतलब ठीक है, मीडियम में, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, मीडियम नॉर्मल पी सकते हैं। और एक दोस्त हैं, हम लोग लगभग चार दोस्त हैं, तो अभी तीन आपको सामने से दिख रहा होगा, एक कैमरा के पीछे में है, उसको अभी दिख नहीं रहा होगा, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, चाय तो माशाल्लाह अच्छा है, सही है, लोकल से थोड़ा हटके है, पीने में मज़ा आया, बहुत दूर से चल के आए तो मज़ा तो आएगा ही ना। तो गाइस, हम लोग बहुत दूर से चल के आए थे सिर्फ MBA ब्रांड का चाय देखने के लिए और चाय पीने के लिए। चाय भी पिए और आप लोग तक सही से इसका इन्फॉर्मेशन पहुँचाए। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो इसका, अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन की अगर बात करें तो देखिए, दिनकर गोलम्बर में आइएगा, इसके जस्ट सामने वहाँ पर आदित्य विजन आपको दिखेगा, आदित्य विजन के जस्ट बगल में ही है MBA चाय वाला। यहाँ के आप चाय का मज़ा ले सकते हैं। बिहार में फर्स्ट इसका आउटलेट है, वजह से बात कर चुके हैं। तो सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।